Hey guys, welcome to Mythcraft SMP Season 1. ये जो सर्वर है ये सर्वर बेस्ड है सर्वाइवल पे, बिल्डिंग पे, क्राफ्टिंग पे, एक्सप्लोर पे और मिथ वाली चीजों पे। चलिए शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल। ये जो ट्यूटोरियल है बहुत ज्यादा शॉर्ट होने वाला है क्योंकि मैं ज्यादा टाइम आपका लूंगा नहीं और मेरा जो वॉइस है थोड़ा सा डिफरेंट सुनाई दे रहा होगा क्योंकि मैं थोड़ा बीमार हूँ, मेरा आवाज थोड़ा खराब है, तो इसके लिए माफ करते हैं। तो चलिए करते हैं फटाफट से ट्यूटोरियल स्टार्ट। तो गाइस ये जो स्पॉन है ये स्पॉन एरिया आपको देखने को मिलेगा, जैसे आप स्पॉन करोगे इधर ही आप स्पॉन करोगे बेसिकली, और यहाँ पे स्पॉन करने के बाद साथ आपको कुछ चीजें दिखने लग जाएंगी, जैसा कि ये एरिया, ये है द मोस्ट वैल्यूएबल एरिया कमांड फॉर प्लेयर्स। यहाँ पे आपको सारे चीजों के कमांड दिख जाएंगी। तो अभी आप लोग पूछोगे कि वेलकम तो कर लिया लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग क्या है, मेरे पीछे जो दिख रहा है ना वहाँ पे चलते हैं, वहाँ पे कुछ चीजें इंटरेस्टिंग दिखेंगी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत सारे क्वेस्ट दिख रहे हैं। ये क्वेस्ट है 1 2 3 4 5 क्वेस्ट है अलग अलग, और पांच क्वेस्ट कंप्लीट करने पे आपको अलग अलग बहुत अच्छे अच्छे रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं। हर एक क्वेस्ट में आपको 3 से 4 लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, किसी में 3 लेवल्स होंगे, किसी में 4 लेवल्स। अगर आपने सारे लेवल्स कंप्लीट कर दिया तो जिस तरीके का जो क्वेस्ट है उस हिसाब से आपको इनाम मिलेगा। लास्ट क्वेस्ट है, अगर इसको आपने पार कर लिया सही तरीके से, इससे आपको एक बहुत तगड़ा वाला स्वॉर्ड मिलेगा, बहुत ज्यादा तगड़ा, लाइक जो स्वॉर्ड एसएमपी के किसी भी बंदे के पास नहीं होगा, एक ऐसा स्वॉर्ड इसमें मिलेगा। उसके साथ हमारे हर एसएमपी की तरह इस एसएमपी में हमारे पास रैंक्स अवेलेबल है। अगर आप रैंक्स लेना चाहते हो तो आप रैंक्स ले सकते हो, आपको बस यूट्यूब की हमारी मेंबरशिप लेनी होती है और हर एक मेंबरशिप के साथ एक रैंक मिलता है। रैंक के साथ क्या क्या मिलेगा वो हमारे डिस्कॉर्ड के अनाउंसमेंट में आपको पता चल जाएगा, कौन सी आर्मर मिलती है, कौन सी किट मिलती है, और उसके साथ एक्स्ट्रा बहुत सारी चीजें हैं जो मिल जाती है, आप सबको वो चीजें पता चल जाएगी। कल टाइप का आपको जो दिख रहा है ना ये एक बैकपैक है, ये आपको मिलेगा और हर एक प्लेयर के पास ये ऐसे एक बैकपैक होगा। आप इसको ऐसे करके खोल सकते हो राइट क्लिक करके, या फिर आप सिंपली एक कमांड टाइप कर सकते हो और फिर आप एंटर करोगे तब भी आपका बैकपैक खुल जाता है। एक बात ध्यान रखना, बैकपैक में जो सामान रहेगा अगर आप मर जाते हो तो वो सामान नीचे गिर जाएगा। तो अभी आप लोग पूछोगे कि भाई तो फिर बैकपैक का फायदा ही क्या है, तो बैकपैक का फायदा ये है कि जब हम लोग माइनिंग करते जाते हैं या फिर कहीं पे एक्सप्लोर पे निकलते हैं हमारी इन्वेंटरी फुल हो जाती है, तो बार बार ऐसे बेस पे आके वो रखने से बेटर है ना कि हम एक बैकपैक लेके चले जिसमें हम अपनी सारी सामान रख सकें। तो लेकिन मरना नहीं है, ठीक है। तो अब तुम लोग पूछोगे कि भाई क्या होने वाला है अगर हम मर गए। गाइस ये जो दो बंदे हैं हमारे चक और नीरज, ये दोनों फाइट करने वाले, आप लोगों को अभी दिख जाएगा कैसे क्या होने वाला है। और ये देखो नीरज जैसे मर गया ना उसके लिए एक डब्बा क्रिएट हो गया, जिस डब्बे को चक नहीं खोल सकता। चक खोल पा रहा है इसको? नहीं खोल सकता। लेकिन ये जो डब्बा है इसके में 10 मिनट का एक टाइमर चल रहा है, तो 10 मिनट में अगर नीरज यहाँ पे पहुंच गया, मतलब वो पहुंच सकता है बैक स्लैश बैक करके, तो इससे वो डब्बे से अपना सारा सामान उठा के लेके जा सकता है। लेकिन 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 इसमें एक ट्विस्ट भी है, आपके इन्वेंटरी में जो सामान होगा वही इस चेस्ट में जाएगा, अगर आपके बैकपैक में कोई सामान है तो वो इस चेस्ट में नहीं जाएगा। नीरज सारा सामान निकाल ले। देखो जैसे ही नीरज ने सारा सामान निकाल लिया ये बक्सा गायब हो गया। तो इन सब चीजों के बाद एक और चीज जो है, जो फन फैक्ट या फिर गेम्स के लिए हमने रखा है, जो कि है बाउंटी। तो हम अभी हर एक प्लेयर के ऊपर बाउंटीज लगा सकते हैं। अब बाउंटीज क्या होता है, मान लो मुझे नीरज को मरवाना है, ठीक है, लेकिन मुझे उसको नहीं मारना है, मैं चाहता हूँ कि मेरे लिए कोई वो काम कर दे, इसके लिए मैं उसके नाम पे एक बाउंटी निकालूंगा। अगर तुमको निकालना है किसी के नाम पे तो बाउंटी निकालने के लिए आपके पास पैसे होने चाहिए, मिनिमम बाउंटी करेंसी इज 5000, ठीक है, आपके पास 5000 होने चाहिए तब जाके आपको बाउंटी मिलता है। तो जैसे कि देखो मैंने नीरज के ऊपर एक बाउंटी लगाया है, बाउंटी प्लेस ऑन नीरज स्लैश बाउंटीज पे जाएगा तो ऐसे एक जीवाई खुल जाएगा जहाँ पे दिखेगा कि नीरज ए बाउंटी किल दिस प्लेयर टू रिसीव दिस रिवॉर्ड। अब लेट क्लिक राइट क्लिक इसलिए आ रहा है कि मैंने इस बाउंटी को लगाया तो मैं ये रिमूव कर सकता हूँ, लेकिन प्लेयर्स को बस ये दिखेगा। अभी जो सीन है वो है छग ने बाउंटी एक्सेप्ट कर लिया है, छग नीरज को मेरे लिए मार देगा। ओके जैसे देखो छग ने जैसे मारा मेरे पास आ गया, छग हैज क्लेम्ड द बाउंटी ऑफ 5000 और नीरज ए नीरज स्लेन बाय छग। अब मेरे पास आ गया नीरज का मुंडी क्योंकि मैंने इसका ठेका दिया था, ये रहा नीरज का मुंडी और छग के पास, छग को पैसे मिल चुके होंगे। कोई भी बंदा जो भी गेम में पहली बार ज्वाइन करेगा एसएमपी में उसके पास 1000 रुपए पैसे और 1000 क्लेम ब्लॉक्स उसके पास होंगी पहले से। प्लेयर वाला किट भी मिलता है, ठीक है, प्लेयर का किट कैसे यूज करना है आपको करना है स्लैश किट। अगर आपको नहीं मिला किट
अगर आपको किट नहीं मिला तो आपको किट करना है और यहाँ पे गोल्डन सवेल वाली पे जाके क्लिक करने से आपको प्लेयर वाला किट मिल जाएगा। मैं जैसे अभी किसी एरिया को क्लेम करने वाला हूँ, छोटा सा एरिया मैं क्लेम करके दिखाता हूँ। ये मान लो ये एरिया क्लेम कर लिया इस एरिया पे। अब मैं हूँ एक बिल्डर, ठीक है, मेरे को बिल्डिंग करने में बहुत मस्त लगता है, मेरे को घर बनाने में, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची चीजें बनाने में बहुत मस्त लगता है, लेकिन वो स्क्रैप होल्डिंग बना बना के भी मैं थक जाता हूँ। उसके लिए भी हमारे पास उपाय है। जैसे आपने क्लेम कर लिया, ये टेरिटरी के मालिक आप हुए, अब आपको करना है स्लैश क्लेम। जैसे आप क्लेम फ्लाई करोगे, देखो क्लेम फ्लाई वार्मिंग अप हो रहा है, क्लेम फ्लाई ऑन हो गया। अब मैं बिना क्रिएटिव के, बिना किसी चीज के, मैं उड़ सकता हूँ अपनी क्लेम में, ठीक है, अपनी क्लेम में उड़ सकता हूँ। लेकिन अगर मैं क्लेम से बाहर जाऊंगा, ये देखो क्लेम फ्लाई ऑफ हो गया, मैं स्लोली स्लोली नीचे आ गया। क्लेम के बाहर में नहीं उड़ सकता, बस अपनी क्लेम के अंदर में उड़ सकता हूँ, अपने क्लेम के अंदर में उड़ के बिल्ड भी करा सकता हूँ। ओके, तो क्लेम देख लिया, ये देख लिया, वो देख लिया, अब पूछोगे और क्या क्या है, तो भाई शॉप भी है, ठीक है। तो आपको करना है स्लैश शॉप, ऐसे शॉप करोगे आपके पास सारा शॉप ओपन हो जाएगा, शॉप में सब कुछ अवेलेबल है, मिल जाएंगे सब कुछ, आप वहाँ से शॉप को चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें आप ट्रेड कर सकते हैं हम एक दूसरे के साथ, ठीक है। अब मैं किसके साथ ट्रेड करूँ, मैं नीरज के साथ ट्रेड करके दिखाता हूँ, ठीक है, कैसे होता है। तो मैं ऐसे करता हूँ स्लैश ट्रेड, ठीक है, ट्रेड, उसके बाद मैं नीरज का नाम लिखता हूँ, फिर मैं एंटर कर देता हूँ। देखो देन प्लेयर इज इन्वाइटेड, जैसे ही वो एक्सेप्ट करेगा मेरा ट्रेड रिक्वेस्ट, वैसे एक ऐसे डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। अब नीरज मेरे साथ एक गोल्डन सोवेल का ट्रेड करना चाहता है, तो मैं क्या करूँगा, मैं उसको गोल्डन सोवेल के बदले 4 ब्रेड दूंगा, ठीक है, 4 ब्रेड इधर रख दिया। अब ऐसे ट्रेड कैसे कंप्लीट कैसे होगा, यहाँ पे ये स्टेटस नॉट रेडी दिखा रहा है, जैसे क्लिक करूंगा रेडी हो गया, उसकी तरफ से रेडी हो गया, 3 सेकंड का टाइम, उसका ट्रेड, मेरा ट्रेड हो गया, उसको उसको 4 ब्रेड मिल गए, मेरे को गोल्डन सेवल एक मिल गया। यूनिक सा ट्रेडिंग सिस्टम। तो आप कभी भी स्लैश वॉर स्पॉन करके स्पॉन पे आ सकते हो और बाकी के क्वेस्ट वगैरह सब कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि क्वेस्ट करने पे आपको अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी, इनाम मिलेगा, कुछ नए नए चीज़ें भी हमारे इस सर्वर में आने बाकी हैं जो अपडेट्स के साथ आते रहेंगे, आपको मिलता रहेगा। गाइस जाने से पहले कुछ रूल्स और रेगुलेशंस में बता देना चाहता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें आपको फॉलो करनी है सर्वर में खेलते टाइम। पहली बात तो ये है कि किसी को भी मार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सर्वर में कीप इन्वेंटरी हमेशा के लिए ऑफ रहता है, कीप इन्वेंटरी ऑन नहीं रहता है, आप किसी को टीपी करके मार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप किसी का टीपी रिक्वेस्ट करते हो और फिर जाके आप मर जाते हो, तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, क्योंकि आपने वो टीपी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया है, हमने नहीं करवाया है। ग्रीफिंग अलाउड नहीं है, अगर आप हैक्स का इस्तेमाल करते हो तो हमको पता चल जाएगा और इट विल बी कॉस्ट यू अ परमानेंट बैन फ्रॉम द सर्वर। सो प्लीज आपको क्लाइंट्स, हैक क्लाइंट्स, जो भी क्लाइंट्स है, जो भी हमको वो सारे क्लाइंट्स या फिर हैक्स इस्तेमाल ना करें तो बेटर है। और उसके साथ साथ अच्छे से खेलो, अच्छे से रहो, बिल्ड करो, क्योंकि इसमें बिल्डिंग कॉम्पिटिशन भी हम कराएंगे हमारे पिछले MUS सर्वर की तरह, मल्टीवर्स यूनिवर्स सर्वर की तरह, इसमें भी हम बिल्डिंग कॉम्पिटिशन कराएंगे, और जो बिल्डिंग कॉम्पिटिशन जीतेगा उसको एक बढ़िया सा इनाम भी मिलेगा सर्वर की तरफ से। तो मेक श्योर यू गाइज डू some coolest cool buildings with fun and joy. मिलते हैं आप सब लोगों से जल्दी ही इस सर्वर में, मेथक्राफ्ट में। अभी के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। खुद ही आपको व्हाइटलिस्ट करोगे सर्वर के अंदर, वो कैसे करोगे, प्रोसेस मैं आपको दिखा रहा हूँ, प्रोसेस को ध्यान से देखना, छोटा सा प्रोसेस है। तो जैसे आप गेम खोलोगे आपको सर्वर मिलेगा, सर्वर में आप पहले ज्वाइन बटन में क्लिक करोगे, जैसे ज्वाइन बटन में क्लिक करोगे आपके पास यहाँ पे आएगा कि फेल टू कनेक्ट द सर्वर, यू मस्ट लिंक योर डिस्कॉर्ड अकाउंट टू प्ले, एंड यहाँ पे आपको लिखा दिख रहा होगा कि सेंड अ DM टू डोपा इन डिस्कॉर्ड सर्वर कॉन्टेनिंग दिस नंबर। ये 4 डिजिट का नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इस 4 डिजिट के नंबर को आपको हमारे ये जो नाम है डोपा नाम का बॉट को भेजना है जो हमारे डिस्कॉर्ड में है, ठीक है। ये बॉट डिस्कॉर्ड में कहाँ मिलेगा, जैसे आप हमारे डिस्कॉर्ड में आओगे आपको दिखेगा कि इस साइड में दिखेगा आपको डोपा का बॉट, डोपा नाम से एक बॉट दिखेगा। आपको क्या करना है, वो जो 4 डिजिट का नंबर था 7984, इसको लेना है, डोपा को जाके मैसेज करना है 7984। जैसे आप मैसेज कर दोगे आपको यहाँ पे डोपा से एक मैसेज आ जाएगा, योर डिस्कॉर्ड अकाउंट हैज़ बीन लिंक्ड टू गो आउट YT, ठीक है, मतलब मेरा तो हो गया। तो आप लोगों को भी ऐसे ही करना है, और फिर उसके बाद डिस्कॉर्ड बंद करना है, यहाँ पे जाना है, बैक टू सर्वर लिस्ट करना है, एक बार रिफ्रेश कर लो एंड ज्वाइन द सर्वर, बूम हो गया आपका सर्वर ज्वाइन। तो ये छोटा सा प्रोसेस है जो आपको करनी है,